Hello. मैं लास्ट आ गई पैसिफिक मॉल. यहाँ आकर कुछ चैन की सांस मिलती है. यहाँ आकर मैंने अपनी स्टोरेज फुल थी जो उसे ठीक कराया पहले, फिर उसके बाद फ़ोन की स्टोरेज फुल थी. अब इसीलिए मुझे पैसिफिक मॉल ही आना पड़ता है, क्योंकि अदर तिलक नगर साइड जाओ इवनिंग में 7 o'clock को निकलना नहीं चाहिए. इतना रश होता है, मतलब कोई भी काम मेरा हुआ नहीं. मैं मेरे को मेडिसिन लेनी थी रामदेव की, वो भी नहीं ले पाई. पर्स ठीक कराने थे, वो भी नहीं करा पाई. इतना ट्रैफिक था. अब यहाँ पर भी रश लगा हुआ है मॉल में. देखो जगह भी नहीं होती जाने की. बीच में ट्रॉलियाँ पड़ी हैं, बीच में खड़ा है. तो ये प्रॉब्लम, वैसे मैं बताऊँ बेसिकली कार जो ये बाहर सड़कों पे खड़ी है ना, ये सब बैन करनी चाहिए. जब तक लोगों को पार्किंग में खड़ा होना नहीं कार सिखाएंगे तो रोड्स पे तो रश रहेगा ही. केजरीवाल को ये मैं मैसेज दे रही हूँ, ये कुछ नहीं कर रहे हो आप अभी तक दिल्ली के लिए. ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है. चलो अब हम यहाँ पार में आए तो कुछ सामान ले लें. मटन है, ऐसे ही हाफ के जी से कम ही चाहिए, 400 ग्राम. क्या भाव है? 729. वैसे क्या भाव बेचते हो आप? 750 भी बिकता है अभी बेचने को तो मार्केट में. अभी 750 बिक रहा है. मैं तो वहाँ दिल्ली कैंट से भी ले लेती हूँ, पर यहाँ आ गई. पीसेस थोड़े ठीक से काट देना, मतलब वो पिछली राउंड वाले हों तो देख लेना. ये तो चापे ले आए खाली, वो भी हैरान है. हाँ ठीक है, अच्छे मांस वाले पीस दे देना थोड़े. पीछे वाली छोड़ दो, आगे की कटिंग. हाँ सर खपाई है यहाँ पर इंडिया में ना. हाँ ढंग के पीसेस अगर आपको कटवाने हैं तो भी आपको पूरे हेडेक लेने पड़ेगी. थोड़ी थोड़ी ये हटे वाली चाप तो कुछ नहीं है. मार नहीं, ये बेकार वाली नहीं दे रहे हो. उसमें से और काट दो ना, उस पीस में से. बस हो गया होगा. ये वाला पीस नली वाला था जो आप काट रहे थे, ये भी डाल दो. आधा किलो कर दो. हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइफस्टाइल में ना बेस कोट है ना टॉप कोट है. आप खुद देख लो, लोगों अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी कि बेस कोट, नेल पेंट का बेस कोट के बिना नेल पेंट तो लगानी नहीं चाहिए कभी भी. मैं तो वैसे लगाती ही नहीं थी नेल पेंट, लेकिन अब मेरा मन करा लगाने को तो मैं पहले बेस कोट ढूंढ रही हूँ.
अब उसके लिए मुझे रजौरी जाना पड़ेगा स्पेशली। ये लाइफस्टाइल मॉल के अंदर की कहानी है। चलो कलर बार में चेक करते हैं। ये हाल है हमारे इंडिया का, देख लो बच्चों, देख लो सारे ये प्रॉब्लम्स हैं यहाँ की। बेसिक जो है ना चीज़ें, किसी को पता नहीं है कि कहाँ से कहानी शुरू करनी है, कहाँ ख़त्म करनी है। सब भागे फिर रहे हैं, शोर शराबा और पॉल्यूशन और गंदगी मचा रहे हैं, बस और कुछ नहीं आता है यहाँ। आपके पास बेस कोट और टॉप कोट है? बेस कोट है नेल पेंट का, वाइट कलर में थोड़ी होता है बेस कोट, ट्रांसपेरेंट होता है वो, तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना। ये तो इसके ऊपर नेल पेंट कैसे लगाएंगे? वाइट होता है ना नेल आर्ट वगैरह के लिए जो होता है, तो उसके लिए बेस कोट ये वाला है, नॉर्मल ट्रांसपेरेंट वाला भी नहीं है। तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ अभी, मतलब स्टॉक में नहीं, ट्रांसपेरेंट आता है अभी लास्ट पीस, थोड़ी देर पहले मैट वाला अभी निकला है। नहीं बेस कोट तो मैट वाला होता ही नहीं है। नहीं मैं वैसे बता रही, टॉप कोट जो मैट वाला है वो अभी निकला, वो लास्ट पीस पड़ा था। और ये तो नेल कलर है, ये बेस कोट है ही नहीं। जो नॉर्मल ग्लॉसी में आता है ना वो वाला है ही नहीं स्टॉक।